अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, नए व्लॉग में खुश आमदीद, न्यू ग्लोबल टायर में खुश आमदीद। और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है आतिफ भाई, को हमने पहले ही आज स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। अच्छा, एक जो बात जो है आतिफ भाई, हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि आप सिर्फ टायर्स जो हमें बहुत सारे रिव्यूज देते हैं तो रिम्स के बारे में आप कुछ नहीं बताते, तो मैं उनको बताता चलूँ कि ग्लोबल टायर पे आपको एक वसी वरायटी मिलेगी रिम्स की, और एक बहुत बड़ी कलेक्शन हमारे पास रिम की अवेलेबल है, जिसमें आपको कार्स के रिम्स, उसके अलावा जो है ऑफ रोड जीप्स के रिम, उसके अलावा आपको जो है रिवो के, फॉर्च्यूनर के, विगो के, जितनी भी बड़ी गाड़ियां और जितनी भी छोटी गाड़ियां, तमाम गाड़ियों की रिम्स की एक वसी कलेक्शन मौजूद है। लेकिन रिम्स के ऊपर हम लिमिटेड बात करते हैं, क्योंकि जो असल इंफॉर्मेशन है और जो सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है वो टायर्स के हवाले से आपको देना हमारा मकसद होता है। तो उसी हवाले से हम चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। तो आतिफ भाई, आज आप किस बारे में हमें बताने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम तलाल, क्या हाल है, खैरियत से हो? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम बात करेंगे, एक बड़ा कॉमन समान सवाल होता है कि ये जो टायर्स हैं इनके तो चले आप बात करते हैं और पैटर्न्स की बात होती है, असल में पैटर्न होता क्या चीज़ है, मतलब पैटर्न कहते किसको हैं, पैटर्न का मकसद क्या होता है? तो आज इंशाल्लाह हम इस व्लॉग में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैटर्न होता क्या। पैटर्न असल में कहते हैं किसी भी टायर का जो एक्सटर्नल लेयर होती है, टायर जो है वो फोर प्लाइज के साथ बनता है, मतलब उसमें जो जितने भी नॉर्मल पैसेंजर कार के जो टायर्स होते हैं वो फोर प्लाई में होते हैं, कुछ के फाइव में भी आते हैं, मोस्टली कॉमन फोर प्लाइज में चलते हैं, जिसमें एक प्लाई होती है पॉलिएस्टर की, दो प्लाइज होती हैं मैश की, और एक होती है नायलोन की या पोलीमाइड की भी होती है। तो इन प्लाईज में से जो सबसे एक्सटर्नल प्लाई होती है, जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है, उसको कहते हैं पैटर्न। अब वो पैटर्न कंपनी डिज़ाइन करती है मुख्तलिफ डिज़ाइंस के अंदर, मुख्तलिफ स्केच होते हैं उसके, और मुख्तलिफ ड्राइविंग कंडीशंस के लिए होते हैं, मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, और उसी वजह से उन पैटर्न के मुख्तलिफ नाम भी रखे जाते हैं। तो बेसिकली जो पैटर्न इस्तेमाल होते हैं जीप्स के अंदर या मोस्टली 4x4 के अंदर, वो 4 से 5 टाइप के होते हैं, उसमें 80 पैटर्न आता है। हाँ जी भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर हम व्यूवर्स के लिए और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप जो आउटर मोस्ट लेयर है टायर की, क्योंकि ये रबर है और जो डिजाइन है टायर के ऊपर, उसको पैटर्न कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये जो डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन है इसको कॉमन, जितने भी आपको ये डिजाइन नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये है, ये सब पैटर्न कहलाते हैं। और ये जो रबर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो पैटर्न का हिस्सा है। जी, वो उस पैटर्न का हिस्सा है। तो व्यूअर्स, आपकी तमाम गाड़ियों के ऊपर कोई ना कोई पैटर्न मौजूद होता है, और हर गाड़ी का, क्योंकि आपने देखा होगा हर टायर का जो है वो डिजाइन और आउटर लेयर जो है वो पैटर्न मुख्तलिफ होता है, तो वो उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है पैटर्न के साथ, और वो उसका नाम जो है हर टायर के ऊपर लिखा होता है। तो आतिफ भाई, ये अब आप स्पेसिफिकली 4x4 और जीप्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है वो इनकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है पैटर्न्स की, या ये सारे मुख्तलिफ होते हैं? वही अर्ज कर रहा था कि पैटर्न तो एक कॉमन इसके लिए नाम रख दिया गया कि ये पैटर्न है, मगर इनकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है एज पर यूसेज। मसलन कुछ जीप्स हैं वो रिलीज में जाती हैं, कुछ जीप्स हैं उन्होंने ऑफ रोड करना होता है, कुछ ऑन रोड रहती हैं, कुछ ने सिटीज के अंदर चलना है, तो कुछ ने हाईवे के ऊपर चलना है, कुछ का मिक्स किस्म का इन्वायरमेंट होता है, तो उस ड्राइव रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कंपनीज मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न बनाती हैं। तो उन पैटर्न की क्लासिफिकेशन में जो सबसे टॉप रैंकिंग की क्लासिफिकेशन होती है, जो कॉमन चलती है, वो 80 पैटर्न होता है। मसलन ये वाला पैटर्न अगर आप दिखा सकें, ये इस टाइप की जो गुड्डी होगी या पैटर्न, इसको गुड्डी भी बोलते हैं आमतौर पर, ये पैटर्न जो है ये अल्टेरियन पैटर्न है। 80 स्टैंड फॉर अल्टेरियन। अल्टेरियन का मतलब ये है कि ये एम प्लस एस, मड प्लस स्नो, ये दोनों किस्म की इन्वायरमेंट्स के लिए बना है। ये जो आप देख रहे हैं ये 80 पैटर्न है, ये इसको आप हाईवे पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आप इसको ऑफ रोड पे ले जाएंगे तो ऑफ रोड पे भी परफॉर्म करेगा, मतलब ये मिड लेवल के टायर्स होते हैं जो दोनों किस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पैटर्न इसके अंदर बहुत ज़्यादा चलता है वो है HT, वो है हाईवे टेरियन, वो सिर्फ हाईवेज के लिए डिज़ाइन हुआ है, वो ऑफ रोड के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, या रगेड ट्रेन के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन उसकी नहीं होती। अगर जिन जीप्स का या 4x4 का ट्रैवलिंग ज़्यादातर हाईवेज के ऊपर रहती है, उनको वो बहुत सूट करता है। इस अगर आप हाईवे का पैटर्न दिखाना चाहें तो ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है, ये
ये इस टाइप के जितने भी स्मूथ सीधे सीधे पैटर्न होंगे ये हाईवे पैटर्न कहलाते हैं, एचटी टायर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक बढ़िया अच्छा इसके अंदर जो है ना मिक्सअप है वो है आरटी टायर। वो उसके बाद हम इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में करेंगे, क्योंकि आरटी पे जाने से पहले मड टायरियन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्टी टायर दिखा दीजिए, ये अगर आप इस पैटर्न की बात देखें, ये मड टायरियन है। मड टायरियन ये जो स्पेसिफिकली जो सिर्फ और सिर्फ जो जीप्स ऑफ रोड करती हैं, जीप रिलीज में जाती हैं, उनके लिए ये टायर डिजाइन हुआ है। ये मठ के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मर है, एक्सीलेंट ग्रिप देता है जीप्स को, जो मठ पे या आपके हिली एरियाज हैं उनके अंदर ग्रिप इसकी अच्छी है, जीप को स्लिप होने से बचाता है, और इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी बहुत एक्सीलेंट होती है। अब हमने बात की ये मठ टेरियन है और ये एटी है और ये एचटी है। इन तीन पैटर्न्स के दरमियान में एक पैटर्न मजीद है जिसको आरटी बोलते हैं, रगिड टैरियन। अच्छा, इस आरटी को डिजाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि एटी भी मौजूद है, एचटी भी मौजूद है, एमटी भी है। मतलब किसी को मड में जाना है, रिलीज में जाना है, वो मड डाल ले, जिसने दोनों इन्वायरमेंट में रहना है तो वो एटी डाल ले, अदरवाइज हाईवे टैरियन के ऊपर भी चल सकता है जिसने हाईवे पे चलना है। रगिड टैरियन जो है ये ऑफ रोड और ऑन रोड, मतलब ये अगर ऑफ रोड पे उतरता है तो टोटली मड टायरियन वाला बिहेवियर पेश करता है। मतलब टायर जो है ये, इसका आप अगर पैटर्न दिखाएं, एटी से मिलता जुलता है, मगर ऑफ रोड पे जाके ये थ्रू आउट मड टायरियन बन जाता है। इसमें सारी खसूसियात मड टायरियन वाली आ जाती हैं। और अगर आप इसको ऑन रोड लेके आते हैं तो ये एटी भी नहीं, ये हाईवे टायरियन वाली परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाता है, कि आप हाईवे टायरियन का टायर आपने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है। इसकी रबड़ कंपाउंड ऐसी है कि हाईवे के ऊपर ये टोटली हाईवेज वाली परफॉर्मेंस देगा, और ऑफ रोड के ऊपर जाके थ्रू आउट ये ऑफ रोड की परफॉर्मेंस देगा। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है। ये पहले रगेड टैरियन टायर इतने ज़्यादा नहीं आया करते थे, ये हाल ही में इन्वेंट हुआ है और ये बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। अब इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड पड़े हुए हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपको मैंने एटी पैटर्न दिखाए हैं दो ब्रांड्स के अंदर, ये चाइनीज है और वो नैनकेंग है। इसके अलावा हर कंपनी का एक अपना पेटेंट डिजाइन होता है, वो अपने डिजाइन के हिसाब से एटी भी डिजाइन करता है और एक्सटी भी डिजाइन करता है। मसलन ये मैक्सिस का टायर पड़ा हुआ है, इसका एटी का पैटर्न इस डिजाइन में है। तो जो आपको मैंने नैनकिंग का दिखाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मगर कंपोजिशन और जो इसकी बेसिक थीम होती है वो सेम ही रहती है। मतलब देखते ही पता चल जाता है कि ये ऑल टेरियन टायर है। ये देखें, ये आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न हैं दोनों एटी, मगर थोड़ा सा डिजाइनिंग में फर्क है। ये हरकुलिस अमेरिकन ब्रांड पड़ा हुआ है, ये इसका एचटी पैटर्न है, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये एचटी में है। नेक्स्ट ये मिचलन है, मिचलन का ये हाईवे टैरियन है, इसका एक अपना डिजाइन है, मगर इन्होंने जो फॉर्मेट है वही अडॉप्ट किया जो हाईवे टैरियन का होना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस वाला। इसके अलावा ये एक वी रबर थाईलैंड का टायर है, इसका भी जो ये पैटर्न है ये भी हाईवे टैरियन का ही पैटर्न है। यहाँ पे ये प्रेली आप देख सकते हैं, ये भी हाईवे टैरियन का टायर है। इसके अलावा ये नैनकिंग का पड़ा हुआ है, ये देखिए ये एमटी में पड़ा हुआ है, और ये एमटी है, नैनकिंग ताइवान का ब्रांड है इसकी। वैसे आपको मैं, चले ये एमटीज की तो बात करते हैं, टायर के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये राइट नाउ इस टाइम एक वाहिद ब्रांड ऐसा है जो एमटी में होने के बावजूद, मतलब एमटी जो जितने भी टायर हैं कुछ हद तक जो है ना, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक नॉर्मल रोड के ऊपर काफ़ी नाइस देते हैं। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि है तो एमटी, मगर ऑन रोड भी बहुत ज़्यादा नाइस नहीं देता, नॉमिनल नाइस होती है इसकी, कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छा है इसका। तो आसिफ भाई, ये आपने पैटर्न्स के बारे में बताया, और स्पेसिफिकली 4x4 ऑफ रोड और हाईवेज और जो आपकी जो 4x4 गाड़ियां हैं उनके पैटर्न्स के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चाहते हैं कि आप स्पेसिफिकली इन पैटर्न्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले करें और उनकी प्राइसेस भी बताइए। तो उसके लिए आप वीडियो कब बना रहे हैं? इंशाल्लाह एक दो दिन में तलाल कोशिश करेंगे कि 4x4 से रेलेवेंट जितने भी साइजेज हैं और जितने भी पैटर्न्स हैं उनके ऊपर, प्राइसेस के ऊपर और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। मगर ज़रा थोड़ा सा वो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, साइजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो पार्ट बाय पार्ट इंशाल्लाह हम उन वीडियोस को भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। न्यू ग्लोबल टायर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।